जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल? मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारे लड़के क्या कमेंट कर रहे थे कि सर, हम यदि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कितना पढ़ लें कि हम पास हो जाएं। ये आपके साथ पांचों सब्जेक्ट है। हम देखिए ये नहीं कह सकते कि बेटा क्या क्वेश्चन आने वाला है, केवल हम अनुमानतः लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में से, जिस चैप्टर में से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा कर देने वाला, इतना तो बता सकते हैं। ठीक, आप देखिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बहुत सारा कंडीशन पे, जैसे मान लेते किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, मान लेते किसी का तबीयत ही खराब है, कोई क्या बाबू और सोना यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक, तो वो नहीं पढ़ पाए तो उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशल है। जो पढ़े हुए उनके लिए तो सैल्यूट है, ठीक, क्योंकि वो क्या करेंगे, फोड़ कर ही आने वाले हैं। ठीक, तो हम इनमें उन चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि लगभग लगभग जो भी बच्चा रहेगा इन सब्जेक्ट में से, उन सब चैप्टर को पढ़ ले या उन टॉपिक को पढ़ ले कि उनका कॉन्सेप्ट, मतलब जो डी फार्मा का है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर ले, थोड़ा सा क्लियर कर ले, क्या एटलीस्ट पास हो सके। ठीक, तो यहाँ से एक लिखा है, यानी कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है बेटा। ठीक, ये एकदम सटीक लाइनें हैं। आज ही से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म और फोड़ कर आने वाले हैं। ठीक, तो हम चलिए देखते हैं कि मतलब ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे हम पढ़ लें तो हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और उस चैप्टर में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो सके, आ सके। ठीक, तो चलिए पहले हम क्या एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा ही बात करेंगे। देखा जाए तो एग्जाम का पैटर्न देखा जाए तो टोटल कितना 100 मार्क आने वाला है। ठीक है, 100 मार्क का होता है आपका एनुअली सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए तो आपका कितना 20 जो मार्क होता, कितना 20 मार्क होता है वो तुम्हारा इंटरनल देता है। ठीक, इंटरनल होता है जिसमें आपका प्रैक्टिकल सेशनल वगैरह पे डिपेंड करता है। 80 नंबर देखा जाए तो टोटल 80 मार्क जो होता है, 80 मार्क होता वो कितना होता है, एक्सटर्नल होता है, जिससे लड़के क्या कर देते हैं, ज़्यादा घबराते हैं और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए इन पे हम बात करने वाले हैं। आप सबसे पहले आप सेशनल का पता करिएगा कि आपका हर एक सब्जेक्ट में सेशनल में कितना नंबर आया हुआ है। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपका कितना नंबर सेशनल में, मान लेते हैं क्या टोटल पासिंग मार्क देखी जाए तो क्या होगा, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के आपका हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट कम से कम 40 नंबर आना ही आना है। ठीक है, मान लेते हैं आपका क्या हो गया, जो स्कूल से दिया है 15 नंबर दिया, आपको थ्योरी 80 में से कितना, 80 में से आपको 25 नंबर खींचना है तब जाके आपका ये टोटल 40 नंबर होगा, तब ये क्या कहलाएंगे, पास कहलाएंगे। यदि इससे एक भी नंबर कम हुआ तो आपका पेपर चाहे बैक लग जाएगा या आपका क्या होगा, फेल लिख दिया जाएगा। ठीक, तो अब इन सब्जेक्टों में से, मतलब ये जो सब्जेक्ट लिखा गया है, पांच सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिक, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में HAP बोलते हैं। इनमें से ऐसी क्या चीज़ें हम पढ़ लें कि हमारा सब काम एकदम ऐसे चुटकियों में हो जाए। हम हैं तो कोई गम नहीं, इसी गम को क्या कर देते हैं, साए में चलते हैं, गम के साए में नहीं, नशे के साए में, कुछ भी नहीं साए, मतलब पढ़ाई के लत से चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे हम चैप्टर है या टॉपिक है जिसे हम पढ़ लें एटलीस्ट क्या हो जाएं बेटा, पास हो जाएं। ठीक, तो देखिए ये आपका फार्मास्यूटिक्स है, इसमें से जो हर एक सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहे तो सब सब्जेक्ट में से एक होती है टर्म होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मोलॉजी बोलते हैं। तो पूरे बुक की आप एक बार जितने भी टर्म रहेंगे उनकी सटीक डिफिनेशन, हर एक टर्म की क्या कर देना बेटा, सटीक आपको क्या लिखना है, एक सटीक डिफिनेशन लिखना, क्या सटीक डिफिनेशन, यदि हो सके तो उसका क्या लिखेंगे, एक दो सटीक एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ भी आए, जैसे मान लेते फार्मास्यूटिक्स में आ जाए। ठीक, जैसे IP क्या होती है, जिसे इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं, तो सटीक उसकी फार्माकोपिया की डिफिनेशन लिखिए और एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक, यदि एग्जाम्पल है तो लिखिए, नहीं है तो उसका सटीक डिफिनेशन आप लिखिए, क्योंकि घुमाने फिराने वाला काम आपका
खत्म हो चुका है। ठीक, तो ये था इसमें सुटिक्स में। अब सुटिक्स में क्या कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़ लें जिससे हमारा काम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे हैं तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक नहीं, आपको थोड़ा ही थोड़ा क्या कर देना, सबको टच करके देखना पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर आपका है यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिससे सबसे ज्यादा टर्मोलॉजी पूछी जाती है, क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक, और इसमें खास करके आप फार्माकोपिया, वो भी कौन सी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, उसका जो सन है, उसका जो सन है उसे याद रखिएगा। सन यदि लिखें आप सही तो आपका काम इजीली यानी होने वाला है। ठीक, ये चैप्टर था। और चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर टू में जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है फार्मास्यूटिकल, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल जैसे ग्लास कंटेनर है, प्लास्टिक कंटेनर है, मेटल कंटेनर है, रबर कंटेनर है, तो उसमें से किसी एक कंटेनर को एकदम फुल डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे जो पूछ सकता। अब मोस्टली पूछा जाता ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं किस पे, चैप्टर नंबर थ्री पे। कितना, चैप्टर नंबर थ्री पे, जिसमें दिया है आपका क्या, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ठीक, इसका आपको सटीक डिफिनेशन पता होना चाहिए और इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक, और एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आएंगे चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फाइव, ये दोनों चैप्टर आपको क्या कर देना एकदम इजी तरीके से। चैप्टर नंबर फोर की बात की जाए तो इसमें जितना भी है, जैसे साइज रिडक्शन, जैसे हैमर मिल पूछ सकता है, बाल मिल पूछ सकता है, तो उन मिलों को क्या कर देना आपको थोड़ा सा, मतलब एक प्रिंसिपल देखिए, कोई भी मिल उठा के दे तो सबसे पहले मिल कुछ भी दे, कोई इक्विपमेंट दे, चाहे साइज रिडक्शन दे, चाहे मिक्सिंग से दे, चाहे साइज सेपरेशन से दे, कुछ भी दे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका आपको प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। ठीक, प्रिंसिपल लिखना, चाहे मान लेते हैं हम बाल ही मिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाल मिल का एग्जाम्पल या हैमर मिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सबसे पहले प्रिंसिपल और उसका क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब वो किस चीज के बना हुआ, बाल मिल है तो उसमें एक बाल होती है, रबर लगा होता है, मोटर लगा होता है, ये सब उसमें लिखना पड़ेगा। और एक प्यारा सा क्या कर देना आपको, डायग्राम बनाना है। ठीक है, प्यारा सा डायग्राम बनाना है और क्या कर देना, उसके बाद उसकी लास्ट में क्या लिखना बेटा, वर्किंग लिखनी पड़ेगी, मतलब ये कैसे वर्क करता है, कि मोटर स्टार्ट कर दिया जाता है, धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देता, ये सब तुम्हारा क्या होगा वर्किंग में। और लास्ट में क्या लिखिएगा, इसका यूजेज लिखिएगा, और लास्ट में आपका सबसे लास्ट में एडवांटेज लिखिएगा, और लास्ट में क्या लिखिएगा, डिसएडवांटेज लिखिएगा। क्या बेटा, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, ये इतना पॉइंट कोई भी इक्विपमेंट उठा के दे आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये आप हेडिंग रट्टा मार लीजिए, इसके अंदर कुछ भी थोड़ा ही थोड़ा लिखेंगे, हेडिंग यदि आपका दिखा रहेगा तो आप टीचर जरूर से जरूर नंबर दे देगा। ठीक, ये था इसके बारे में चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर नंबर फिफ्थ में जो चीज़ें हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है टैबलेट के बारे में, कैप्सूल के बारे में, इतना तो नहीं है कि मतलब टैबलेट के बारे में आप कुछ नहीं लिख पाएँ, कैप्सूल के बारे में नहीं लिख पाएँ, सीरप के बारे में नहीं लिख पाएँ, उतनी चीज़ें बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, मगर अपने अकॉर्डिंग तो आप जरूर ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कर देना, डोजेज फॉर्म जरूर पढ़ना, डोजेज फॉर्म, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सॉलिड डोजेज फॉर्म है, कौन लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उसे एक बार जरूर वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये था किसके, मतलब इतना चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट इससे कम से कम आप इनके केवल ऊपर ऊपर पढ़े रहेंगे तो अभी आपका कितना 40 नंबर इससे खींच सकते हैं। प्रैक्टिकल में मान लेते हैं आप 15 नंबर पाए हैं तो आपका टोटल कितना 55 नंबर बन जाएगा। लो, जो लगभग कितना, लगभग देखिए 55-60% आपका क्वेश्चन पे चला गया। ठीक, इसी तरह से आप तैयारी करना है। ठीक, तो ये था सुटिक्स के बारे में। अब आते हैं किस पे, कोग्नोसी के बारे में आते हैं। ठीक है, कोग्नोसी में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसे हम पढ़ लें तो अपना काम बन जाएगा। ठीक, तो देखिए ये आपका खत्म हुआ, कोग्नोसी को उठाकर हम यहां लाते हैं। कोग्नोसी में सबसे पहले यानी जो चैप्टर है कोग्नोसी में, इसमें भी टर्मोलॉजी है बेटा, टर्मोलॉजी है, इसमें टर्मोलॉजी है। टर्मोलॉजी को आप एकदम से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी टर्मोलॉजी हम सटीक डिफिनेशन बना के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, केवल आप एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा तब भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फार्माकोग्नोसी में देखा जाए तो आपका क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यानी चैप्टर नंबर टू। कितना, चैप्टर नंबर टू, ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर टू, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया गया,
उस क्लासिफिकेशन को हर साल पूछे जाने वाले किसी भी साल का क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा एकदम डिटेल में। ठीक, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चले जाइए चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में चले जाइए। ठीक, अब देखिए इन तीनों में से क्या कर देना है, यही जो तीन चैप्टर इसी को एकदम से फुल, यहाँ पर आप दूसरा भी मतलब तीसरा भी चैप्टर लिख सकते हैं, तीसरा भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर मेजर क्वेश्चन 2, 3, 4 यानी 2, 4, 5 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, वो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता किससे, यानी चैप्टर नंबर 5 में, क्योंकि यहाँ पर आपके कितने 64 जो क्रू ड्रग्स हैं, ठीक है, क्रू ड्रग्स प्रेजेंट है उसके बारे में आपका डिटेल में दिया गया है। ठीक, तो यानी कोई भी क्रू ड्रग्स जैसे आपसे पूछ दे एलोवेरा, एलोवेरा का क्या होता है, या इसमें बहुत सारी टर्मोलॉजी आती है, जैसे कह देगा व्हाट इज लैक्सेटिव, लैक्सेटिव क्या होता है, किसकी एक एग्जांपल, मतलब किसी का एक एग्जांपल लिखना, उसका क्या लिखना पड़ेगा, बायोलॉजिकल, क्या लिखना पड़ेगा, बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ेगा, बायोलॉजिकल सोर्स, और यहाँ से लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, और लास्ट में देखा जाए तो क्या हो गया, यूज जिसे हम थेरेपेटिक इफिशियंसी बोलते हैं। तो आप देखिए इन्हीं चीज़ों का क्या कर देना, कोई भी उठा के जैसे मान लेते हैं लैक्सेटिव को डिफाइन करने किसी का दो एग्जाम्पल दे, जैसे आपका क्या हो जाएगा, सिन्ना इसका एग्जाम्पल होता, एलोई इसका एग्जाम्पल होता, इसब गोल इसका एग्जाम्पल होता, तो कह देगा एग्जाम पे एलोवेरा और इसब गोल को या सेना को आपको क्या कर दो, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और कम से कम दो यूजेज आपको लिखना पड़ेगा। ये चीजें आपको क्रूड ड्रग में 64 में से हमने क्या कर दिया, इसका पीडीएफ बना के लिंक में इसी में डाल देंगे। आप पीडीएफ यदि अवेलेबल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, आप यहां से देखिए हमने कितना 58 जो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 64 ड्रग्स में से हमने 58 ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज, और किसी किसी स्टेट में क्या हो सकता है, फैमिली पूछ सकता है। ठीक है, तो फैमिली पूछ सकता है, कह देगा फैमिली सोलिनेसी फैमिली क्या होती, किसी दो क्रू ड्रग्स को डिफाइन करिए, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज, तो हमने फैमिली वाली उसे पूरे से अच्छे से अरेंज कर रखा है। ठीक, तो वहां से ये मतलब चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ के ही जाना है, जाना है, और क्लासिफिकेशन पढ़ के ही जाना है। इतना यदि आप कर लिए तो फार्माकोग्नोसी में आप अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा लड़के इससे डरते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन और नाम देखा जाए तो बहुत धाकड़ धाकड़ तरीके से होता। ठीक, अब यहां से देखिए क्या हो दिया, ये आपका कुग्नोसी फार्मास्यूटिक्स में, सॉरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको कौन सा ऐसा चैप्टर है जो पढ़ लें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो पहला है, ठीक, जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है बेटा, ठीक, फार्मा यानी देखो क्या दिया इसमें, जो पहला चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर पहला आपको क्या कर देना, फुल डिटेल में देखना पड़ेगा कैसे इसमें क्या क्या चीज, जैसे इरर के बारे में आप जानते ही हैं, यानी एक्यूरेसियन प्रेसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंस नंबर क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर पता होना चाहिए, जो इसमें बुक में दे रखा है टर्म, उस टर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, एक आपका क्या हो गया, टाइट्रेशन देता ही देता है, अगले साल आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन पूछा था, आपकी पास पॉसिबिलिटी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की। ठीक, तो आप क्या लिखिएगा, किसी भी एक टाइट्रेशन को, अच्छे टाइट्रेशन होता क्या उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और उनके जैसे एसिड बेस पूछा तो एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, रेडॉक्स के बारे में पूछा तो रेडॉक्स के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको केवल ऊपर ऊपर देखना ही पड़ा है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 जो आपका मेजर ऑफ द एमसीक्यू इसी से बनता है, किससे, मेजर ऑफ द एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक आपका चैप्टर नंबर 3 से बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ठीक, इसमें चैप्टर नंबर 5 ये करना पड़ेगा, और यहाँ से लास्ट में देखा जाए चैप्टर नंबर 6, मतलब इतना चैप्टर नंबर लास्ट में क्या रहेगा, 11, इसमें थोड़ा सा लेंदी है। अब देखिए इन सब को पढ़ने से पहले आपको क्या कर दें, इधर यदि जाएंगे तो आपको क्या करेगा, जैसे किसी का तुमसे पूछ देगा, यानी पैरासीटामॉल क्या लिख देगा, ये पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल का तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, यानी बोल देगा केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी
नाम। तो आपको क्या कर देना, इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और आईयूपीएसी नाम बताना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए कोई भी यदि ड्रग्स वगैरह उठा के दे तो आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नाम, और लास्ट में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, मतलब ऐसे किस कंडीशन में रखा जाए इसकी यानी ड्यूरेबिलिटी लास्ट तक बनी रहे, लॉन्ग टाइम तक, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, फार्मुलेशन मतलब ये मार्केट में किस रूप में अलवोलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अलवोलेबल है कि इंजेक्शन के फॉर्म में अलवोलेबल है या कैप्सूल के फॉर्म में अलवोलेबल है या ओरल है या क्या, यानी सीधे यानी आईवी है या आईएम है, ये हो गया। अब लास्ट में क्या लिखिएगा, उसका यूजेज, मतलब कोई भी यदि कंपाउंड उठा के दे तो इतना चीज़ें आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, यानी चैप्टर फोर्थ फिफ्थ इधर से पूछेगा तो। ठीक, तो इनका क्लासिफिकेशन आप याद कर लीजिएगा। इसमें जो टर्मोलॉजी आती है, टर्म आप जरूर ध्यान से देखिएगा, जैसे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पूछ सकता, तो उसकी सेडेटिव की सटीक डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसका भी हमने क्या कर दिया, जो जितने भी बुक के जितने भी ये फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री में जितने भी टर्म है उनका हमने सटीक डिफिनेशन और उसके जस्ट नीचे उसका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल हमने उसमें इंक्लूड कर दिया, उसका भी आप वीडियो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो ये था टोटल और टोटल किसमें, फार्माकोग्नोसी के बारे में, सॉरी यानी फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, अब आते हैं किस पे, सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी हो गया, देखिए सोशल फार्मेसी हो गया तो यानी देखिए ये हमने कवर कर लिया, सोशल फार्मेसी लेकर आते हैं। ठीक, सोशल फार्मेसी देखा जाए तो बेटा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर थर्ड, मतलब ये तीनों चैप्टर को आप पिछले साल का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, इन्हीं तीनों क्वेश्चन से कम 45 से लेके 48 मार्क नंबर, मतलब कितना यानी 45 से लेके 48 मार्क, मतलब इतना अंक इसी तीनों चैप्टर से उठा के दे दिया। ठीक, और लास्ट में आपका जो है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, इससे मतलब चैप्टर नंबर फोर, मतलब इसमें क्या हो गया, कोई डिजीज रहेगा, क्या कोई डिजीज रहेगा तो उस डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब डिजीज में कौन कौन सा ऐसा हेडिंग लिखेंगे जिससे आप एग्जाम में थोड़ा सा काम करें, डिजीज लिखिएगा, उस डिजीज का नाम लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, जो भी डिजीज दिया रहेगा उसका नाम, उसके बारे में जो भी तुम्हें ए टू जेड पता उससे दो तीन लाइन लिखिए, फिर क्या लिखिए आप, काजिटिव एजेंट लिखिए, मतलब वो ऐसा कौन सा ये डिजीज को करने वाला एजेंट क्या है। ठीक, जैसे फलेरिया होगा तो बाउचेरिया वन कपटाई से होता है, टीबी हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक अमीबियासिस हो गया एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, तो इसे आप थोड़ा सा काजिटिव एजेंट के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे यानी फैलता, जैसे कोरोना देख रहे ड्रॉपलेट के फॉर्म में फैल रहा था, ये हो गया। अब उसका क्या हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम वगैरह देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, यानी बात मोस्टली देखा जाए साइन एंड सिम्टम में तुम लिख सकते हो, वोमिटिंग हो रही है, बुखार हो गई, बॉडी एक हो रही है, सर एक हो रहा है, तो ये सब सारा चीज़ें सब में तुम लिख सकते हो। और लास्ट में क्या लिखिएगा, एपिडेमियोलॉजी। और लास्ट में क्या लिखिएगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट अपने बारे में जरूर लिखिएगा। ठीक, रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिखिएगा। इतने चीज़ें आपको किसी भी डिजीज उठा के दे तो आपको इतना लिखना ही लिखना है। यदि लॉन्ग में रहे तो एक नंबर का रहेगा तो ये लिखेंगे तो हो जाएगा काम आपका, टाइम की ऐसी तैसी हो जाएगी, नहीं वो सब चीज़ें नहीं करनी। तो मतलब इसमें से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और लास्ट वाला चैप्टर जो सबसे लास्ट में, उससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है फार्मा इकोनॉमी से। ठीक है, ये तुम्हारा था किसके बारे में, इसके सोशल फार्मेसी के इतने चैप्टर दोबारा आप देख सकते हैं। ये टॉपिक ये जो हम लिख रहे हैं बेटा ना, ये आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, एग्जाम में ये हेडिंग है, बोलते हैं ना कि हेडिंग के लिख दें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उतने आप समझदार हैं। ठीक, लास्ट में देखा जाए तो क्या हो गया, HAP जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी। इसमें देखा जाए तो बेटा इसमें हम नहीं कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें लगभग जितने चैप्टर हैं इक्वल अमाउंट में क्वेश्चन पूछा जाता, मगर कुछ चीज़ें ऐसे जो हर साल पूछा जाता है, जैसे सेल आपसे पूछ सकता है, लास्ट में क्या ले सकता है, टिश्यू पूछ सकता है, और बोन वाला आप क्या करिएगा, बोन
ठीक। देखिए आप यदि एचईपी पढ़ रहे हैं तो यदि कुछ भी दे तो आप क्या कर दे, सटीक डिफिनेशन लिखिएगा, सटीक डिफिनेशन और विथ डायग्राम, डायग्राम जरूर बनाइएगा। यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम नहीं बनाए तो समझ लीजिए आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए इतना चीजें ये हो गई, और इसमें देखा जाए बोन वाला चैप्टर जिसे हम क्या बोलते हैं ओसियस, आपके नाम से ओसियस सिस्टम आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया। अब ब्लड के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी हीमोपोएटिक सिस्टम, मतलब चैप्टर नंबर फिफ्थ, मतलब ब्लड के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक। ब्लड का फॉर्मेशन कैसा होता, और एक मैकेनिज्म यहाँ से क्या लिखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग की आप इसे मत भूलिएगा, क्या ब्लड क्लॉटिंग, ये मैकेनिज्म आप नहीं भूलिएगा, ये आपका क्या होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, आप ब्लड क्लॉटिंग इसे आप देखिएगा चैप्टर नंबर फिफ्थ में से। लिम्फैटिक सिस्टम में से दो चीज आप केवल पढ़िएगा, लिम्फैटिक सिस्टम में से एक आप स्प्लीन केवल पढ़ लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, और क्या पढ़ लीजिएगा लिम्फ नोड पढ़ लीजिएगा, क्या लिम्फ नोड पढ़ लीजिएगा, इतना आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये दो टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, कितना मतलब चार चार पांच पांच लाइन पढ़ना, काम पढ़ लेना, स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ठीक है। और लास्ट में आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट की पूरी मैकेनिज्म आपको क्या कर देना है, देख लेना है, ठीक। आर्टरीज कौन सा ब्लड लेक जाती है, कौन सा आती है, ये आप मत गलत करिएगा, इसका डायग्राम बेटा, ठीक है, इसका क्या डायग्राम आपको लर्न ही लर्न करना है। और इसी में जो आती है ईसीजी पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है, ईसीजी पे, और एक शॉर्ट में दे सकता है कार्डियक, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसका भी हमने क्या होता है शॉर्ट में वीडियो बना रखा है, जैसे लिखे हैं कि मतलब कौन सा थोरेसिस कैविटी जो होती है, डायफ्राम पिचकता है फूलता है, उसी को तुम्हें लिखना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आप जरूर पढ़िएगा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम में क्या लिखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी देखो क्या स्केलेटल सिस्टम में क्या लिखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपको देखनी पड़ेगी, ठीक। जेड लाइन ए लाइन कैसे जाती है उसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है कि थीन है। नर्वस सिस्टम में आपका क्लासिफिकेशन तुम देख लेना, क्या नर्वस सिस्टम में आप क्या लिख देना बेटा, क्लासिफिकेशन देख लेना, ठीक। और उसका काम देख लेना कि मतलब कौन सा काम कर रहा है, बस इतना काम रख देना। सेंसरी ऑर्गन में मोस्टली क्या लिखना पड़ेगा, ईयर के बारे में थोड़ा सा देख लेना और आई के बारे में देख लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड होता है, अल्टरनेट पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, लास्ट में आ जाएंगे किसमें, इंडोक्राइन सिस्टम में, क्या आ जाएंगे, इंडोक्राइन सिस्टम, या आप इंडोक्राइन ग्लैंड लिख सकते हैं। इसमें से उस हार्मोन का नाम लिखना पड़ेगा कि हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, और उसका क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। इसका हमने क्या कर दिया है, यहाँ से पीडीएफ बना लिए, जल्द ही इसे ही क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी क्या, यानी मेल का तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, उसे देख लीजिएगा। और इसमें दो मैकेनिज्म आता है, एक हमारा क्या आता है, स्पर्मियोजेनेसिस आता है, स्पर्म का जो बनना होता क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, या हम बोल सकते हैं ओजेनेसिस बोल सकते हैं, मतलब ओवा का बनना क्या कहलाता है, ओजेनेसिस। ये दोनों मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, ठीक, कब माइटोसिस होता है, कब मियोसिस होता है, ठीक। तो इतना तुम्हारा था किसके बारे में, यानी आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ये सब्जेक्ट का हमने पूरा डिटेल में देख लिया। आज ही से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा से अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। आज ही से क्या करिए, फोन उठाइए, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर, यदि टॉपिक वाइज ऐसा परेशान करने के लिए नहीं, देखिए आपको किसी भी टॉपिक पे यदि समस्या है, ठीक, किसी भी टॉपिक पे, मतलब इन सब्जेक्टों में से किसी भी टॉपिक पे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। यदि नहीं आता तो आप फ़ोन उठाइए 8847684147 पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, बेफालतू में फ़ोन मत करिएगा, ठीक, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी तभी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो आज से अपना फ़ोन उठाइए, किसके लिए,
सर के लिए पढ़ने के लिए, मगर जीएफ और बीएफ से बात करने के लिए नहीं, आज ही से लग जाएंगे तब भी। इसलिए बोला जाता है जब ही जगे बेटा तभी सवेरा होता। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब टॉपिक वाइज आपको क्या कर, एक चीज़ और याद रखिएगा, लास्ट में जाते जाते क्या कर दिया जाएगा, जो प्री ईयर्स का क्वेश्चन है, किसमें प्री ईयर्स का क्वेश्चन है, और आप जरूर अपने मन से सॉल्व करिएगा। हम आपको क्या करेंगे, 2022 का जो क्वेश्चन है, यानी जितना भी सुटिक्स का, कुग्नोसी का, केमिस्ट्री का, सोशल या चेपी का, हम क्या करेंगे एकदम पहले क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। यदि आता है तो बताइएगा, ठीक, नहीं आता तो क्या कर देंगे, वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा। फार्मास्यूटिक्स में जितना भी क्वेश्चन, जैसे कुछ अभी पूछ रहेगा, उसका आंसर के साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले बेटा, ठीक है, डिस्कस करने वाले। तो यानी पिछले साल का आप क्वेश्चन जरूर जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।